कश्मीरी पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए बॉईल किए हुए बासमती राइस, मिक्स वेजिटेबल्स, मिक्स फ्रूट्स, कैश्यू एंड रेजिन्स, प्योर घी, हमारी रेड चॉप चिली है, नटमेग, बेल लीफ, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, केसर मिल्क, हींग, रेड ड्राई चिली, क्लोव्स, पेपरकॉर्न्स, क्यूमिन सीड्स, नीम लीव्स, ब्लैक कार्डामम एंड जावंत्री। कश्मीरी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गैस पे रखेंगे, उसमें हम 2 टेबलस्पून प्योर घी लेंगे, एक बेलीफ डालेंगे, नीम लीव्स डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 2 टीस्पून जीरा डालेंगे, एक ड्राई रेड चिली डालेंगे, 2 क्लॉव्स डाल रहे और 4-5 पेपर कॉर्न्स डाल रहे हैं। कश्मीरी पुलाव बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। उसमें हम एक जावंत्री डालेंगे और एक ब्लैक कार्डामम, बड़ा इलायची, उसको आगे से हमने थोड़ा खोल दिया, उसकी फ्लेवर अच्छी आएगी। अब हम उसमें ड्राई फ्रूट, मैंने कैश्यू एंड रेजिन्स लिया है, वो डालेंगे। ¼ कप लिया, ये आप अपनी चॉइस से कम ज्यादा कर सकते हो। जब कैश्यू और रेजिन्स इसमें सैलो फ्राई हो जाएंगे तो हम थोड़ा 3-4 कैश्यू और थोड़े से रेजिन्स हम गार्निशिंग के लिए निकाल रहे हैं उसमें से। अब हम उसमें चॉप की हुई रेड चिली डालेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर रहे हो। अभी मैंने 2 चिली को चॉप किया है। अब हम इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स कटिंग करके रखा है, जैसे पी से, फ्रेंच बीन से, उसको मैंने पारबॉइल किया है, और चॉप कैप्सिकम लिए, मैंने 1/2 कप मिक्स वेजिटेबल डाले हैं। हाफ कप मैंने मिक्स फ्रूट लिया है, जिसमें मैंने चॉप करके एप्पल लिया है, ग्रेप से ग्रीन और पोमीग्रेनेट है। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी आप ऊपर से वापस ऐड करोगे फ्लेवर के लिए। 1 कप केसर वाला मिल्क डालेंगे। वो भी फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। अब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। मैंने जो राइस डालना उसमें सॉल्ट डाल के राइस बॉईल किया, इसलिए अभी हम सिर्फ वेजेस और फ्रूट्स का लेवल का ही सॉल्ट डालेंगे। हम कोरिएंडर पाउडर डाल रहे हैं 2 टीस्पून। अब हम इसमें 1 कप बॉईल किए हुए बासमती राइस डालेंगे। मैंने 1/2 कप बासमती राइस को 1 घंटा पानी में भिगो के, एक बेलीफ और एक क्लॉव्स डाल के और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बॉईल किया हुआ है, वो हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए नटमेग डाल रहे हैं पाउडर करके, 1/8 टीस्पून जितना है, आप अपनी चॉइस से कम ज्यादा भी कर सकते हो। कश्मीरी पुलाव फुल ऑफ फ्लेवरफुल होता है। हमारा पुलाव बनके रेडी है। अब हम इसे गैस ऑफ करेंगे और एक बाउल में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये पुलाव ऐसे प्लेन ही सर्व किया जाता है, फुल ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और वेजिस से बनाया हुआ है। गार्निशिंग के लिए हम उसपे चॉप कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। हमने ये एप्पल के जूलियंस कट किया हुआ वो रखेंगे, थोड़ा फ्रेंच बीन्स और पारबॉइल किए हुए मटर है पीस, वो डालेंगे, और ऊपर से हम थोड़ा जो ड्राई फ्रूट हमने निकाला था वो वापस डाल देंगे। ऊपर से हम थोड़ा केसर मिल्क भी डाल रहे हैं। तो रेडी है सर्व करने के लिए हमारा कश्मीरी पुलाव।
सोच का सवाल क्या बनाए, पाए उसका जवाब। डाउनलोड करो सो बनाओ ऐप, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।